हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फाइनली आई एम बैक टू कराची आफ्टर अ मंथ। पूरे एक महीने के बाद मैं कराची जा रही हूँ वापस, और मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए मंडे से, तो मैं संडे को सुबह कराची वापस आ गई थी। गाइस, मैंने आते ही मशीन लगाई है। इतनी सुघड़ कोई होगा ना, सुघड़ इतना कोई अच्छा होगा। मैं आते ही मशीन लगाई क्योंकि मेरे कपड़े बहुत मैले हो रहे थे। और हाँ, पास दो दिन होते हैं, वेनसडे का दिन होता है, एक संडे का दिन होता है कब मशीन लगाने का। तो आज संडे था, फिर मैंने कहा वेनसडे तक कौन वेट करे। फिर मेरे कपड़े सारे, और मुझे उलझन होती है मेरे कपड़े अगर मैले पड़े हों, तो मैंने कहा आते ही फरवा सुस्ती छोड़ो और मशीन लगाओ। तो मैंने आते ही मशीन लगाई है, क्योंकि सुबह ही गलती है पहुँच गई ना, मैं आराम से 3 घंटे में पहुँच गई। यार, कल का दिन तो मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब गया था, क्योंकि कल मैं जब वहाँ से आई तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी। मुझे मतलब घर वालों की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, तो मैंने कहा यार मैं कहाँ फंस गई, मैंने क्या किया, क्योंकि वो एक मंथ में पूरा घर थी अपने, पूरा एक मंथ पे मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि मैं यहाँ कराची में आऊँ। फिर मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए, एक महीने के गैप से मेरे एग्ज़ाम्स हो जाते हैं, और आज मेरा फर्स्ट वाइवा है, पहला वाइवा है मेरा। प्लीज़ हुआ कीजिएगा मेरा फर्स्ट वाइवा बहुत अच्छा, क्योंकि कल मैं जब आई तो फिर मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था कुछ पढ़ने का, कुछ दिल भी नहीं कर रहा था, और ना मेरा माइंड इस चीज़ में उसमें रेडी था कुछ पढ़ने के हवाले से। लेकिन मैंने कहा नहीं परवाह, जो भी सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है और उसके साथ आगे बढ़ना है, वरना तो फिर मैं रोती ही रहूँगी इस चीज़ के लिए कि मम्मा याद आ रही है, फैमिली याद आ रही है, घर याद आ रहा है, तो फिर मैं सेट हो जाऊँगी आहिस्ता आहिस्ता। तो मेरी फ्रेंड्स हैं दो, बहुत अच्छी रात को वो आ गई थी, तो मैं सेट हो गई थी। घर के कुंडों की न्याज भी छोड़कर आई हूँ, जो कि आज पकेंगे, कल कुंडों की न्याज है, और वो भी मैं छोड़कर आई हूँ। तो एक महीने के बाद मैं यूनिवर्सिटी जाऊँगी, सो लेट्स सी कि मेरी फ्रेंड्स जो हैं वो क्या रिएक्ट करती हैं मुझे देखकर, और बस देखते हैं। और फर्स्ट वाइवा मेरा कैसा जाता है, मतलब आई होप मेरा अच्छा जाएगा, फिर मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मेरा वाइवा कैसा हो। स्टे ट्यून्ड, यूनिवर्सिटी में मिलते हैं। हेलो नूर हमना, वाइवा की तैयारी कैसी है पहले ये तो बताओ। मेरी हम सेट कैसी करी थी, मेरी तो अच्छी तैयारी नहीं, मैं तो गई। हेलो, आई एम बैक फाइनली। आज मेरा वाइवा बहुत अच्छा हुआ, बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ, इतना इजी वाइवा था आज का। तो वैसे ही वाइवा बहुत ज़्यादा इजी था, बट आई जस्ट होप कि अब मेरा जो कल वाइवा होना है, कल का वाइवा भी मेरा बहुत ही मतलब अच्छा हो, क्योंकि कल बहुत ही मुश्किल वाइवा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल वाइवा है कल का हमारा है एनाटॉमी। तो कल की थोड़ी डर, कल का थोड़ा डर है, बाकी तो आज तो बहुत ही मतलब बहुत अच्छा वाइवा हुआ और ईजी था। अरे कल मैं बहुत ज़्यादा होम सिकनेस बहुत ज़्यादा फील हो रही थी कल मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि यार मतलब घर की बात कुछ और होती है, मतलब घर आपको कुछ और होता है। तो अब मैं जब आई तो फिर मैं सब चीज़ें छोड़कर आई, मतलब 13 रजब आने वाली है, फिर जश्न होता है हमारा उधर, फिर हमारे घर के कुंडों की न्याज होती है, नज़र करते हैं, वो भी मैं छोड़कर आ गई। मतलब हमें जहन में नहीं आया कि हम पहले ही कर लेते, लेकिन बाद में जहन में आया कि हम पहले कर लेते, वो रह गया ऊपर से। इसके अलावा क्या नाम है, मेरी कज़न है, उसकी डेट फिक्स हो गई है, तो अब उसकी शादी की शॉपिंग, डांस वगैरह, बहुत मतलब घर में अल्लाह बल्ला था हमारी फैमिली में, तो मैं वो सब छोड़ कर आई थी। फिर यहाँ आके मतलब रियलिटी, मतलब अपने मुँह अकेले अकेले, और ना अकेले बैठना, सब चीज़ें खुद से करना। आते मैंने मशीन लगाई, सबसे पहले मशीन लगाई, उसके बाद फिर मतलब मुझे ऐसा लगा रियलिटी चेक मिल गया कि तुम्हारी ज़िंदगी अब ये है। तो फिर ना मैं बहुत ज़्यादा, मुझे टाइम लग रहा था उस चीज़ को एडजस्ट होने में, एब्जॉर्ब करने में कि फरवा अब यही है तुम्हारी ज़िंदगी जो है। फिर मुझसे पढ़ा भी नहीं जा रहा, फिर पढ़ाई की टेंशन, वाइवा पता नहीं कैसा होगा। फिर रात को मैं पढ़ने बैठी कि नहीं फरवा पढ़ना है, जो भी है इस चीज़ को साइड पर रखे। फिर मैं जल्दी से
फिर मैंने पढ़ाई की और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत अच्छा वाइवा हुआ, बहुत अच्छा। मतलब मैंने एक भी क्वेश्चन का, मतलब सब क्वेश्चन जवाब दिया, एक क्वेश्चन नहीं छोड़ा मैंने, सब क्वेश्चन का जवाब दिया, सब क्वेश्चन सारे किए। बाकी जो है वो कल एनाटॉमी है, एनाटॉमी की तो बहुत बुरी हालत है, समझ नहीं आ रहा है एनाटॉमी में क्या होगा, बट अल्लाह मालिक है, वो भी अच्छा हो ही जाएगा। ठीक है, फिर अब ये वाला व्लॉग तो बेसिकली क्योंकि हम क्लास में भी सब ऐसे ही सब अपने उसमें लगे हुए थे, तो मेरा वाइवा होते ही मैं निकल आई। मैंने कहा मैं ज़्यादा, क्योंकि मुझे घर जाकर पढ़ना है एनाटॉमी, तो मैं निकल आई, इससे मैं अपने फ्रेंड से ज़्यादा व्लॉग वगैरह बना नहीं पाई, तो मैंने कहा अब वो बाद में बनाऊंगी। तो ये वाला व्लॉग कल, इस व्लॉग में जो क्लिप्स हैं वो कल की हैं, जो मैं वहाँ से आई थी, ये तो चुप ही नहीं करते सब, वो है जो मैं वहाँ से आई थी अपने घर से। तो ये क्लिप और ये वाला क्लिप मैंने दोनों मैच करके इस व्लॉग में कर लिया है, और बाकी का कल का एनाटॉमी मेरा कैसा होता है, कैसा जाता है, मैंने बहुत डर लग रहा है एनाटॉमी का, कैसे कैसे मैं पढ़ती हूँ और कैसे वाइवा होता है, पता नहीं लग रहा है अच्छा जाए वाइवा, जैसा भी होगा मैं आप लोगों को बताऊंगी जरूर। सो फॉर नाउ प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और अब मेरे डेली व्लॉग्स आते ही रहेंगे, मतलब मेरी एग्जाम्स चल रहे हैं तो मैं थ्रू आउट वीडियोज़ बनाती रहूँगी और अपलोड करती रहूँगी।